सहेली की शादी में जाना है वंदना को, पर बिगड़ा काम तमाम। गलत समय पे हो गया वंदना को खांसी और भारी जुकाम। जुकाम, खांसी और बढ़ते केसेस क्या वंदना की ट्रिप बिगाड़ेंगे? बदमाश सी ये महामारी रास्ते में कितने रोड़े डालेंगे, आइए देखते हैं। हिंग का चिवड़ा, हिंग का। कुछ भी मत बोल। अरे अभी वंदना ने चखा ना। Oh my God, loss of taste. राजेश भाई, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अरे थैंक यू, आप मिल गए। ये हैंडबैग है, वंदना भाभी को बोलिएगा ये लेकर जाए। कहाँ? कहीं भी लेकर जाए। मेरी बहन ने तो इसी में अपना घर बसा लिया है। आपकी बहन? हाँ, संगीता। एक मिनट दिखाती हूँ। बैग में रहती है संगीता? नहीं नहीं, अब ये देखिए, ये टॉवेल, ये टिफिन, ये हेयर ब्रश, ये एक्स्ट्रा जूते, ये बॉटल, ये लिपस्टिक, सब। एक मिनट, लेकिन इतना सारा सामान आपके हैंडबैग में लेकर वंदना जा कर रही है, कोई बताएगा? बेंगलोर उनकी सहेली है ना जूही, उसकी शादी है ना संडे को। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो प्लान कैंसिल हो चुका है भाभी। वंदना को जुकाम हो गया ना, तो हो गया हो गया। अरे ज्योति का छठा नंबर का भाई है ना, उसको तो उसकी खुद की शादी में मलेरिया हो गया था। बोलो उसमें क्या? हर्षित आप हमेशा आधा बोलते हो। मलेरिया के साथ साथ उनको वायरल फीवर भी तो हुआ था। अपने मुंह पे हाथ रख के ऐसे खांस रहे थे, भूल गया? खांसी इधर से और मलेरिया की वजह से कांप भी रहा होगा ना वो, ऐसे 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 करके। नहीं नहीं राजेश भैया, सिर्फ लेफ्ट हैंड से कांप रहे थे, क्योंकि राइट हैंड में तो रुमाल था ना, right, खांसी के लिए। सॉरी सॉरी, वो खांसी हो गई थी, लेकिन वो वायरल फीवर वाली हुई होगी ना। हाँ, वंदना को इस कोविड के माहौल में जुकाम हुआ है, तो क्या है ना, वो नहीं जा रही है बैंगलोर, अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू। मुझे ज्यादा पड़ेगा राज, बता वो। बिल्कुल नहीं, ओके, नो चांस। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें जुकाम देखो कितना। I'm fine, but थोड़ा सा जुकाम है, but I'm fine. You are fine, हाँ? थोड़ा सा जुकाम है। थोड़ा सा जुकाम है। सुधा, सुधा, अथर्व, बब्बी बोल रही है, उसे थोड़ा सा जुकाम है। मैंने मेडिसिन ले ली है। मेडिसिन को भी इन्फेक्शन लगेगा तुम्हारे जुकाम का। तुम्हारे पेट में जो गोली है ना, वो भी छींक रही होगी। कितना जुकाम है तुम्हें वंदना? वेरी बैड मम्मा। शादी में जाके खाना खाना इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी हेल्थ? खाना खाने नहीं जा रही हूँ बैंगलोर। तो फिर आप बारात में क्या चेयर टाइप वाला नागिन डांस करने जा रहे हो? जुए की बारात निकलेगी क्या? चुप है। जुई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो दुल्हन है और मैं उसकी ब्राइड्स मेड, मैं कमिट कर चुकी हूँ। मम्मी अब सलमान खान थोड़ी हो कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दी फिर आप किसी की भी नहीं सुनते। तुरंत मिटेगा। क्यों क्यों, सही तो कह रहा है वो, तुम बचपना करियो वंदना। जुई इज मोर देन अ सिस्टर फॉर मी। हमारी शादी में प्रॉब्लम हुई थी तो जुई ने रिजॉल्व की थी ना। आपकी शादी में कौन सी प्रॉब्लम हुई थी? वो बाद में बताऊंगा मैं। प्लीज 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 प्लीज, आर यू इवन लिसनिंग टू योर वॉइस? ओके, कल सुबह तक देखेंगे, अगर जुकाम गया, अगर जुकाम गया तो सोचेंगे। ऑलराइट ऑलराइट। यस। कल तक छींकना नहीं है मुझे। यू कैन डू इट वंदना, यू कैन डू इट। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, नो पैनिकिंग, नो पैनिकिंग। वंदना भाभी, ज्योति भाभी, मैं आपके लिए दवाई ले आई हूँ। वो क्या है ना, मेरा सबसे बड़ा जो भाई है 6 BHK वाला, उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो ये दवाई बनाती है। अब जैसे इस दवाई को खाओगे ना, 2 घंटे में आपकी सर्दी भाग जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। जाकुल जा, ये क्या नाम है ज्योति भाभी? जाकुल जा। हाँ जाकुल जा। और ये देखिए, ये खांसी की दवाई है, भग खांसी भग। और ये बुखार की, हड़ बुखार हड़। वो क्या है ना वंदना भाभी, गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसे हड़ भग शब्दों से ही समझ आता है कि दवाई कौन सी बीमारी के लिए है। लेकिन ज्योति भाभी, हड़ बुखार हड़, ऐसे नाम? आप नाम को छोड़िए, असर को देखिए, इससे आपका जुकाम जाएगा ही जाएगा। एक मिनट, ये फ्लास्क। हाँ? अरे ये सैंडल किसने रख दिए? आ
ये लीजिए वंदना भाभी, ये पानी और ये जा कोल जा। वंदना भाभी, राज देखो इट्स मैजिक, मैंने वो जाकुल जा दवाई ली ना, मेरा जुकाम गायब हो गया। वाओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग बंधु, जब तुमने कहा ना तुम जाकुल जा नाम की दवाई ले रही हो तो सबसे पहले मुझे गुस्सा आया। मैं सोच रहा था ये दवाई तुम कैसे ले सकती हो। क्या डैड अब भी, व्हाट्स इन अ नेम। या ऐसे ही बोला था ना दुबई के शेक्सपियर ने। वेरी गुड, नया आया है। शेक्सपियर नहीं है, एक वर्ड है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। दुबई में कब से रहने लग गए। हाँ, पर सही तो बोल रहा है ना अथर्व, नाम में क्या रखा है। एग्जैक्टली मेरे साइंस टीचर का नाम है स्वीटी, पर वो जरा भी स्वीट नहीं है। उनका नाम करेली या कड़वी होना चाहिए था। कुछ भी अथर्व, अरे उनका नाम स्वीटी इसलिए है क्योंकि वो दिखती स्वीट है। हाँ मम्मी, डैडी मेरी सारी टीचर को स्वीट एंड ब्यूटीफुली बोलते हैं। ए ओ, ऐसा है क्या राज। कुछ भी बकवास कर रहा है ये। कांचीपुरम इडली सांबार, वाह वाह वाह। टॉपिक चेंज करने की कोशिश ना करे राजेश बाबू। बाय द वे इसी वेले भात भी है। राज को इंप्रेस करो वंदु, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। सुपर्ब, वाह। हाँ, संडे को पीटी टीचर है ना रेवती मैडम, डैडी ने उन्हें मॉल में देखा और बोले सुपर्ब। अथर्व, आधा अधूरा मत बोल, ओके? पूरा बता क्या हुआ था। रेवती मैडम मिली थी मुझे, रातर हमें मॉल में, लेकिन वो संतरे ढूंढ रही थी तो मैंने कहा कि फ्रूट सेक्शन वहां पर है एंड दे आर सुपर्ब। हाँ हाँ करेक्ट, पर फिर आपने वो जोक भी मारा था ना दक्षिण अंकल वाला, चुरा के। कौन सा वाला। क्यों आपने ही बोले थे संतरे को संतरा ही कहता है मंत्रा, पर सारंगी संतरे को कहती है नारंगी, मंत्रा तो संतरे को नारंगी नहीं कहता और संतरे को संतरा भी कहती है सारंगी। चुप। रा चीखना मत, सबके सामने चीखना नहीं है मुझे, वरना संडे को बैंगलोर जाना कैंसिल। ज भी है, रा नहीं सिर्फ राज। क्या हुआ। मैं वॉशरूम से आती हूँ। अरे वो गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि पानी बहुत ज्यादा पी लिया मैंने। ओहो अच्छा, इस बार गर्मी बढ़ गई थी पहले जाकोल जा की वजह से। नहीं दोनों की वजह से। बन गया बेड, कितनी बार बनाओगी। राज मैं कह देती हूँ चूही की शादी में बैंगलोर जाऊंगी। बंदा बह के चली जाओगी, तुम देखते रहियो। राज माथे पे क्या इडियट लिखा है। छींक गई बाथरूम भागी। ये कार्यक्रम देखा है मैंने। बैठो उधर। देखो आई नो, मैं समझता हूँ कि जूही तुम्हारे बगैर थोड़ा हेल्पलेस फील करेगी, लेकिन सोचो ना तुम फ्लाइट से जाओगी, अगर तुम फ्लाइट में छींकी, हवा में वायरस, 50 लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर तुम एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट निकली तो। हालांकि सिम्टम्स दिख रहे हैं। आज मुझे बस थोड़ी सी सर्दी है और किसी खांसी है। थोड़ी सी सर्दी और किसी खांसी है। राजू तू ना इनका कुछ कर, तू तेरे पापा का कुछ कर। एक मिनट, क्या किया उन्होंने। ये ब्रश देख। कहते हैं कि राधिका मेरा फेवरेट ब्रश है, फेंकना नहीं। ये फेवरेट ब्रश है। हाँ। बिना बत्ती से की दादी माँ होती है ना जो कहती है अरे ये मेरा ना फेवरेट हेयर ब्रश है, वैसे लग रहा है बिना दांत के। वही मैंने उन्हें कहा। मैंने कहा अगर ये यूज करोगे ना तो सर से बाल नहीं खाल उतरेगी। खाल क्या कहा उन्होंने। कहने लगे राधिका
मेरे सर पे बाल कहाँ है सीधा फन। अच्छा देख ये चूड़ा, इतने प्यार से मैंने ना बिना तेल के सूखा चूड़ा बनाया, इतना सा हींग डाला, इतना सा, कहते कितना हींग डाला है, चखो चखो चखो। It's perfect, ma. फिर लो। हिंग का चिवड़ा, हिंग का, हिंग में मम्मी ने थोड़े से पोहे डाले, अगर इसे छलनी में छानोगे ना आप तो नीचे से हिंग वर्षा होगी। क्या है ये राजू, कुछ भी मत बोल। अरे अभी वंदना ने चखा ना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लॉस ऑफ टेस्ट। जुकाम तो पहले से ही है, मतलब कोविड। धीरे बोलो, धीरे बोलो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी के दीवारों में ना वो दक्षेश बसता है और दक्षेशों के कान होते हैं। तो क्या करूं मैं? आप जाइए, आप जाइए और जरा दूर रहिए। मैं पॉजिटिव निकली तो? एग्जैक्टली, सोचो दूल्हा दुल्हन पंडित बाराती सबको रिस्क नहीं होगा? आई नो यू आर राइट, पर कोविड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा और करा ही लेती हूँ। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुझे जाने दोगे प्लीज? मतलब मैं एंटीबायोटिक ले लूंगी ना सर्दी के लिए, अभी संडे में तो टाइम है ना, पूरे 5 दिन है। पहले टेस्ट करवा लो उसके बाद में देखते हैं। ओके बंधु। तिवारी जी, जी सर। तुम्हारी कोहनी में पीड़ा या वेदना है? नहीं तो सर। तो जब मेरा आगमन हुआ तो तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? सर आप 8वीं बार निकल रहे हैं तो सुबह से 4 बार सलाम किया ना। नो, 50% नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हें 50% सैलरी दूं तो तुम्हें चलेगा? ऐसा क्यों चलेगा? तो जब भी मेरा आगमन हो मुझे सलाम करो, ओके? जी सर। एक्सक्यूज मी जी, आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं? वागले रेसिडेंस 801। क्यों, वहाँ किससे काम है आपको? आपसे मतलब, किसी से भी काम हो मुझे? ओह माय गॉड, ये कैसे बात कर रहे हैं? आप खूनी लुटेरे निकले तो, और आपके इस बैग में कुछ हथियार हुआ तो, चाकू कुल्हाड़ी या कुछ और? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरी शक्ल देख के क्या मैं आपको खूनी और लुटेरा लगता हूँ? एक मिनट हर्षद, यहाँ आओ, आप इसकी शक्ल देखिए, गौर से देखिए, क्या आपको ये अनपढ़ गवार दिखता है? बिल्कुल नहीं। पर ये है। ओ तोशीपुरे, एक थप्पड़ मारूंगा ना। और नहीं तो क्या, मेरे हर्षद पूरी 9th class तक पढ़े। बस बस, सुना सुना, तो फिर आपकी शक्ल पे क्यों भरोसा करूं मैं, हैं? और किस चीज का टेस्ट करने जा रहे हैं आप? वो मैं उनके घर जरा। तिवारी चेक करो। जी सर। सर मुझे तो कोरोना टेस्ट वाले लग रहे हैं। जाओ। नहीं मैं थोड़ा, सॉरी सॉरी। अथर्व क्या कर रहे तू? डैडी मैंने कभी लाइव कोविड टेस्ट देखा नहीं है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्रिकेट का लाइव टेस्ट मैच नहीं चल रहा है जो तू मजे ले रहा है। अब बैठिए। नहीं मैं नहीं, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। मम्मा रिलैक्स ना, रिलैक्स। डरने वाली कोई बात ही नहीं है मैडम। हाँ ये सिर्फ यू नो स्वैब्स लेंगे, ये बाकी कुछ नहीं। एक मिनट देखो क्या करेंगे ना, ये ऐसे ये लेके बोलेंगे कि आ कीजिए, या फिर ना नाक में ऐसे। तो डोंट वरी जी। सर आपको आता है क्या? नहीं मुझे नहीं आता। तो आपको एतराज ना हो तो मैं करूं प्लीज? हाँ राज, मुझे ना डर टेस्ट का नहीं है, डर रिजल्ट का है। डोंट वरी मैडम, हम लोग इस रोग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव भी कितना बढ़िया शुरू हुआ है। डोंट वरी बंधु, चलिए आ कीजिए। मम्मी स्माइल। अंकिल देखो, आप स्वैप को ऐसे मम्मी की ओर कीजिए और मम्मी आप स्माइल करो। क्या करो अथर्व, वो क्या शादी के रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन मिठाई खाते हुए ऐसे फोटो निकाल दे वैसे तू कर रहा है? मम्मा लेकिन फिर भी स्माइल करो, टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। यस, सब ठीक हो जाएगा और संडे को आप बैंगलोर फ्लाई भी कर पाएंगे। 100% वैसा ही होगा। आगे जी।
राज कब आएंगे टेस्ट के रिजल्ट? आता ही होगा मम्मा। चल मम्मी, मेरी बात हो गई है, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। किससे बात हुई तुम्हारी? बात नहीं हुई, रिक्वेस्ट डाली है कि रिपोर्ट नेगेटिव ही भेजना। टेस्ट रिजल्ट जो आएंगे वही भेजेंगे ना, तुमने कहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली? क्या करता है रे ये लड़का भी, हाँ ऐसे बोलते किसी को कि सुनिए जरा प्लीज प्लीज अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए तो भी नेगेटिव कर दीजिएगा। एक मिनट, ठीक ठीक बताओ तुमने कहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली है, किससे बात हुई तुम्हारी लैब में? लैब में नहीं, मेरी साई बाबा से बात हो गई थी। हे साई बाबा, आप तो मिरेकल्स करते ना, तो बोरीवली में किसी को कोविड नहीं होने देना, और सेम दादर में भी ऐसे बोला मैंने। एंड यू नो ना डैड, साई बाबा इज द ग्रेटेस्ट। मिस्टर राजेश वागले। यहां हूं मैं। एक मिनट, बन्ना भाभी, मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। राजेश भाई जी, आपने चोरी चोरी घर में कोविड टेस्ट करवाया? चोरी? बनिए मत, आपको कोविड हुआ है और आपने ये बात छुपाई? बन्ना भाभी जैसी धैर्य सबर और बदनसीब नारी को अगर आपकी वजह से कोविड इन्फेक्शन हुआ ना तो वंदना। डक्कू भाई, कोविड टेस्ट मेरा हुआ है। ओह माय गॉड, राजेश भाई आप ही कोविड का वायरस यहाँ लेकर आए हैं। ऑफिस जाने के बहाने पता नहीं आप कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। देखिए आपकी वजह से बेचारी वन्ना भाभी को क्वारंटीन होना पड़ा ना, तो फिर अरे डक्कू भाई अभी तक रिपोर्ट्स आए नहीं हैं, और आप अपना काम कीजिए ना लोगों की बालकनियों में झांकने का। हाँ, हर्षद अंकल ने अपने बालकनी पे बकरी सुखाई है। बकरी? डैडी वो जो टी शर्ट पहनते ना जिसपे मैं हूं ना ऐसा लिखा है, और फिर बकरी की फोटो भी है, वो वाली। ओह माय गॉड, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आइए बाय द वे राजेश भाई, अगर आपकी वजह से बिल्डिंग को सील करना पड़ा तो आपको 5,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, वो भी नए नोट में। आया है रिपोर्ट, आया है रिपोर्ट। हाँ कमाल कर रहे हैं आप डक्कू भाई, और अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसे घर में हम जरूर क्वारंटाइन करेंगे ना, उसके लिए बिल्डिंग क्यों सील करवानी है आपको? क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल। चलता हूं वन्ना भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। कोविड से ज्यादा डेंजरस ये है। लैब से फोन आया। हेलो, व्हाट? ओह ओके, क्या हुआ? जूही वन्ना रिलैक्स, सुन मेरी बात। मैं क्या सुनूं जूही, इस कोविड ने पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। लेकिन तेरा रिपोर्ट तो पॉजिटिव नहीं आया है ना? लेकिन नेगेटिव भी तो नहीं आया ना जूही, अब वो डबल चेक करके संडे मॉर्निंग तक बताने वाले हैं। यार इट्स टू बैड, आई नो। अब संडे मॉर्निंग को नेगेटिव आया भी तो भी तुम्हें टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगी ना बैंगलोर। तो मैं कैंसिल कर दूं अपनी शादी? तू तो कैपेबल भी है, बैड वुमन। हेलो, बैटरी। राज, मैं गलती से तुम्हें इन्फेक्शन दे दूंगी। तुम मेरी बंधू रानी हो, गलती से भी किसी का बुरा नहीं हो सकता तुमसे। और इन्फेक्शन का क्या, लग गया तो लग गया, बांट लेंगे कोविड। I love you. गाना कौन गाएगा? ओके, अथर्व नहीं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता।
है बुखार नहीं, बुखार नहीं नहीं है मतलब। जय बहाना डैडी, मम्मी को हक कर रहे थे ना। तू यहाँ क्या कर रहा था? वो सखी दीदी बार वाला बाथरूम यूज कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। बाय, कंटिन्यू। बाय मम्मा, मम्मा आपकी रिपोर्ट आ गई है, जल्दी आओ। अरे क्या बात है, मेरा 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 रेट। बंधु जल्दी आओ, बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तुम्हारी रिपोर्ट। मम्मा चलो चलो चलो। मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है रिपोर्ट। पॉजिटिव है? नेगेटिव है, इसको बताया नहीं किसी ने। नेगेटिव है? यस, साईं बाबा डिड इट अगेन, थैंक यू सो मच। साईनाथ महाराज की जय। हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है। अब बड़े स्क्रीन पे ना अच्छे से रिपोर्ट देखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अरे क्यों देखना है बड़े स्क्रीन पे, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है? जूही की शादी तो मिस हो गई ना। अरे वंदु रानी, बड़े स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में नेगेटिव ऐसा लिखा हुआ देखने में क्या मजा है? मैं अरे मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ ना, सबने देखना चाहिए। हाँ, सोसाइटी के हर एक मेंबर ने देखना चाहिए, और खास करके दक्कू भाई ने। कि देखो दक्कू भाई, देखो और सीखो कुछ, सीखो कुछ। देखो लिखा है नेगेटिव, हो रहा है ना स्क्रीन मिरर। और अथर्व ने भी साईं बाबा से मन्नत मांगी है ना कि जूही मासी के शादी में आप शामिल हो सके। Here it is! हो रहा, ये देखो हो गया। Oh my God! जूही की शादी। Hi Vandana! Hi जूही! Hi Pradeep! Hi Vandana! Have a happy married life! Happy married life! अरे पहले मैरिड हो तो जाए हम। Nice to see you, Vandana. Finally, तूने मेरी मैरिज अटेंड कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। तू एक काम कर, फेरों की कस्में तू बता और हम रिपीट करेंगे। All right? हाँ हाँ हाँ, done. Thank you so much, Raj, Saki, thank you, Atharva. शादी में शरीक होने के लिए मिला टेक्नोलॉजी का साथ, दूर नहीं वो दिन जब ऑनलाइन होगी बारात, ऑनलाइन ही सुहागरात। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.